कराची मंसूबों पर काम का इंतजार कर रहा है। अब इस तरह सियासत मजीद नहीं चलेगी। एक दूसरे के खिलाफ ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का कोई फायदा नहीं। ग्राउंड पर जाकर काम करने की जरूरत है। वफाकी वजीर असद उमर की सिंध हुकूमत पर तनकीद, बोले तवज्जो हटाने वाली फजूल बहस होती है। आप काम नहीं करना चाहते तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। मान लिया 750 अरब है इनके, लेकिन काम भी कल से शुरू करें। अगर सब पुराने मंसूबे हैं तो जमीन पर काम कितना हुआ है भाई? मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना, ये नहीं चलेगी अब। और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ, अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ, कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी। काम करो जाके भाईजान ग्राउंड के ऊपर। उस एग्रीमेंट के बाद अगले दिन मीटिंग हुई है, हफ्ते की डेडलाइन सेट हुई है। अभी आज मेरा खत जा रहा है चीफ मिनिस्टर को K4 के लिए कि जी आपने कहा है कि वफाक करना चाहता है, ये इसके जो हैंड ओवर करे। हमारा तो काम शुरू हो गया। अब हम कह रहे हैं इनको काम करने के लिए। वो उस दिन मुझे कल कहते हैं ये तो सारे नाकाम मंसूबे। मैंने कहा इनमें से हुआ कौन सा जो नाकाम हुए भाई? ये होते हैं नाकरंदियां करना। जब आप काम नहीं करना चाहते ना, तो आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा।